और राजनाथ सिंह इससे पहले जब जयपुर पहुंचे उसके बाद सीधे होटल पहुंचे और होटल में मंत्रणा हुई है। वसुंधरा राजे यहां से रवाना होती हुई राजनाथ सिंह के साथ कार में मौजूद हैं। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस कार में मौजूद हैं। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। होटल ललित से काफिला निकलेगा जिसका इंतजार लगातार राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर को है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनाथ सिंह जब पहुंचेंगे विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक और बैठक के बाद ऐलान होगा कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की जिस पर सबकी नजरें हैं सबकी निगाहें हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे जो आज पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान में है। सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ क्या अपडेट, राजनाथ सिंह निकल चुके हैं? देखिए राजनाथ सिंह का काफिला रवाना हो चुका है, पर्यवेक्षक दल निकल चुके हैं और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि एक मैसेज देने की कोशिश भी है यहाँ पर कि राजनाथ सिंह की गाड़ी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैसेज देने की कोशिश है। दोनों एक ही गाड़ी में बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं और ये साफ तौर पर संकेत है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसके ऊपर वो भी तैयार हैं, सब तरीके से एग्री कर लिया गया है और ये काफिला रवाना हो चुका है यहाँ से। हेमंत बिल्कुल क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है आसिफ? तस्वीरें आपको दिखाने, देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो कोई जैसे वो प्रसन्नचित मुद्रा में हर समय नजर आती हैं, जैसे वो हाथ को वेव्स करती हैं, जैसे सीएम रहने के दौरान जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज रहा करती थी। मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनकी वो बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल वैसी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं शांत ज़रूर नज़र आ रही हैं। तो लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं जिस फॉर्मूले को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी उस फॉर्मूले के ऊपर जो है वो एग्री कर गए होंगे और वो जो नाम दोनों तरफ से तय हुआ है। अब चूँकि काफिला निकल चुका है और काफिला निकल चुका है, वसुंधरा राजे को साथ लेकर गए अपनी गाड़ी में, इसका मतलब ये है कि अब वो नाम तय हो चुका है और कुछ ही देर के अंदर बीजेपी दफ्तर से वो नाम आसिफ क्या है? इसका मतलब ये भी है कि ना सिर्फ नाम तय हो चुका है बल्कि सहमति भी बन चुकी है, मुस्कान बता रही है वसुंधरा राजे की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल जब दोनों एक साथ गाड़ी में आए हैं, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से आए थे तब साथ में नहीं पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन अब चूंकि दोनों एक साथ एक गाड़ी में गए तो ये मैसेज देने की कोशिश है। तमाम मीडिया के कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे, सभी कैमरों ने वो तस्वीर कैद की है, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश है कि अब हम साथ साथ हैं और साथ ही बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। या जो है वो पूर्व सीएम की तरफ से जो नाम सुझाए गए थे या जो नाम राजनाथ सिंह अपने साथ लेकर आए थे, उन सभी नामों में से किसी एक नाम के ऊपर दोनों पक्षों की सहमति बन चुकी है। अब वो नाम कौन सा है इसके लिए बीजेपी दफ्तर होटल ललित से लगा करके बीजेपी दफ्तर तक का कितना समय लगेगा वहां पर पहुंचने में राजनाथ सिंह के काफिले को? देखिए आम तौर पर ये दूरी 8 से 10 किलोमीटर की है, लेकिन रक्षा मंत्री हैं, एनएसजी कमांडो उनके साथ हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, तो हार्डली ये दूरी 4 से 5 मिनट की होगी। अगले 4 से 5 मिनट के अंदर ये काफिला सीधा बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएगा और अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी वो बीजेपी दफ्तर से आएगी। बिल्कुल आसिफ, आसिफ हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रियंका हमारी सहयोगी बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने से मौजूद हैं जहां पर कुछ ही समय में राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। उनके साथ गाड़ी में प्रियंका वसुंधरा राजे मौजूद हैं, दोनों एक गाड़ी में, और सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हेमंत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कुछ ही समय में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे। ये तस्वीर आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये तस्वीर है और ये वही रास्ता है। गहमा गहमी देखिए, हलचल देखिए, सुरक्षा में तैनात जो पुलिस के जवान है वो इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है क्योंकि अब बेहद कम वक्त बचा है। हेमंत कुछ ही समय में यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और जो बड़ी जानकारी है वो ये भी है कि राजनाथ सिंह की गाड़ी में ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बैठी हुई हैं जो कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंच जाएंगी और कोशिश करेंगे जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे तो उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे क्योंकि ललित होटल में कई मिनट तक बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। अब ये चर्चा क्या हुई है, बातचीत में
क्या निष्कर्ष निकला है, क्योंकि वसुंधरा राजे जब बातचीत के बाद बाहर निकली हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश। प्रियंका, यहाँ पर सुरक्षा दस्ता अलर्ट हो गया, लगता है कि राजनाथ सिंह का काफिला यहाँ पर बस चंद सेकंड में पहुँचने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल कुछ समय, चंद सेकंड का वक्त जब राजनाथ सिंह हमारे कैमरे के सामने होंगे, उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे और उन्हीं से सीधा ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक उनको बनाया गया है और कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक भी वो करने वाले हैं। साथ ही साथ सरोज पांडे और विनीत तावड़े भी ललित होटल से निकल चुके हैं। तो सवाल जो सबसे बड़ा यही था 3 दिसंबर के बाद से कि किसकी कौन, देखिए इस वक्त ये तस्वीर देखिए आप, गाड़ियों की हलचल, यहाँ पर गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है एक एक करके, और जब यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे तो वो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे न्यूज 18 राजस्थान पर, और बातचीत की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल यही है जिसका इंतजार दस्ते के आगे चलते हैं। जी बिल्कुल 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 हेमंत, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था, क्योंकि वीआईपी हलचल है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ से सड़क को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है, आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दिया गया है, और इस वक्त कार्यालय के अंदर की भी अगर आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर बहुत सीमित लोगों को ही अंदर एंट्री दी जा रही है हेमंत, सभी को बाहर कर दिया गया है। ये वही कार्यालय है जहां पर कुछ घंटों में ही बैठक की शुरुआत होगी, शाम 4 बजे का वक्त है जब इस बैठक की शुरुआत होगी, और उसके बाद माना ये जा रहा है कि 5 बजे लगभग शाम तक ये ऐलान कर दिया जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक दिन में वोट पड़े, यानी कि 25 नवंबर जब जनता ने अपना आदेश दिया, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए जब कमल का फूल खिला, लेकिन इस कमल के फूल के अंदर से किसका चेहरा निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है हेमंत, कुछ ही समय का इंतजार हमें करना है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खास होने वाली हैं जब राजनाथ सिंह यहाँ पर बतौर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, क्योंकि 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, उसमें राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल रहा, बेहद दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं एक बार बीजेपी के, जानते हैं समझते हैं राजस्थान की राजनीति को। महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो, एक गाड़ी से सवार होकर होटल ललित से भाजपा के दफ्तर पहुंच रहे हैं, और यही वो धरती है जो आज गवाह बनेगी उस नाम के ऐलान का, जो बीजेपी की तरफ से नाम जिसका ऐलान होगा मुख्यमंत्री का, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। बाबूलाल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं, बाबूलाल अपडेट क्या, चंद मिनट जब पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह बीजेपी के मुख्यालय। जी बिल्कुल, बेचैनी बढ़ती हुई, धड़कने तेज हो गई है, जो भी ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं, तो दिलों की धड़कने बहुत तेज है और फैसले की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ तो आप देखिएगा कि पुलिस किस तरह से, अब राजनाथ सिंह आने वाले हैं, इस रास्ते से पुलिस ने अब लोगों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा लोग हैं बीजेपी कार्यालय के आसपास जो आज उस फैसले का इंतजार करने के लिए, उस फैसले की घोषणा सुनने के लिए आए हैं, और इनको लगता है कि जो भी होगा राजस्थान का धननेता होगा, तो मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। कौन बन रहा है तो मुमकिन है, कौन मुमकिन है, नाम तो बता दीजिए। ये नरेंद्र मोदी ही डिसाइड करेंगे, ये नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे। नरेंद्र मोदी अपने विस्फोटक फैसले के लिए जाने जाते हैं, उसको राजस्थान भी देखेगा। चौंकाने वाला फैसला आने वाला है, नया नाम, नया चेहरा होगा, जो भी नया चेहरा होगा, मोदी जी ने नाम डिसाइड कर लिया है, मोदी है तो मुमकिन है। जनता भी बेताब है, बेसब्री से इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, जैसे ही राजनाथ सिंह इधर से गुजरेंगे उसके बाद जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी। बिल्कुल बाबूलाल, बने रहिए चप्पे चप्पे पर, न्यूज 18 राजस्थान के रिपोर्टर्स तैनात है पल पल की अपडेट, और सबसे पहले सबसे तेज आप तक पहुंचाते हुए सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी। सौरभ कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या अपडेट आपके पास है सौरभ गृहस्थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बिल्कुल बाहर मैं खड़ा हूं, और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस